नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब समय उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। आपको दिखाते हैं यूपी 20। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने शुरू किया मंथन। अखिलेश यादव आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने मायावती के बयान से किया किनारा, कहा बेकार की बातें ना करें, बीजेपी सत्ता से जा रही है। अखिलेश यादव का पर मायावती का पलटवार, कहा बीजेपी को बढ़ाने और उनसे मेलजोल पर अखिलेश का दामन दागदार है। एसपी सांसद डिंपल यादव की दो चूक, बीजेपी को सरकार बनाने से समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है। सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर की मांग, यूपी समेत पूरे देश में बैन हो शराब, गरीबों की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। ताजमहल के पीछे बनने वाले टेंट सिटी को लेकर अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट, अच्छे ठेकेदारों से बनवाए टेंट सिटी, बनारस में बनी टेंट सिटी का हाल हम सब ने देखा है। अयोध्या के सूर्य कुंड में लेजर शो का आयोजन किया गया, रात में दिखा खूबसूरत नजारा, रोशनी से जगमगाया पूरा इलाका, लेजर शो देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। नोएडा के गार्डनिया ग्लोरो सिटी में बांटे गए अयोध्या से आए अक्षत, करीब 1000 घरों तक पहुंचाया गया। सोसाइटी के निवासियों ने शोभा यात्रा के साथ अक्षत का स्वागत किया। 22 जनवरी को भव्य दीपोत्सव की तैयारी। यूपी के हापुड़ में कांच की सतह पर रामचरितमानस की 300 पंक्तियों को उकेरा, प्रोफेसर अजय कुमार ने बनाया रिकॉर्ड। प्रोफेसर अजय कुमार मित्तल ने कहा, मेरा काम अयोध्या के में राम मंदिर को समर्पित है, मुझे अपने काम पर गर्व है। राम मंदिर उद्घाटन पर बोले न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम, कहा न्यूयॉर्क में हिंदू समुदाय के लिए जश्न मनाने का मौका है। आगरा की जामा मस्जिद को लेकर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में सीढ़ियों में भगवान केशव देव मंदिर के विग्रह दबे होने की जांच की मांग की गई है। यूपी के कानपुर में ठंड का प्रकोप, कोहरे और सर्द हवाओं से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। यूपी के मुरादाबाद में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कपकपी, शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। यूपी के शामली में 400 साल पुराने किले में एक युवक ने पढ़ी नमाज, माहौल बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। किले के खंडहर में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। एसपी के मुताबिक सिर्फ माहौल खराब करने को लेकर की गई कोशिश, कड़ी कार्रवाई के आदेश। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों ने अपराध न करने की खाई कसम, गौकशी, हत्या और लूट जैसी घटनाओं के आरोपी थे अपराधी।